For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हम अब तक कंपनीज एक्ट की दो क्लासेस पढ़ चुके हैं। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है। उसी में हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है। कोई डाउट इसमें पूछ लो, मौका दे रहा हूं। नहीं, फिर हमने पार्ट टू पढ़ा। पार्ट टू में हमने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, ओपीसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है एंड पीएफआई कंपनी का मतलब क्या होता है। खत्म। हाँ हाँ हाँ, कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट नहीं। कितना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, आओ पेज नंबर। हाँ पूछ ही लो। हाँ डाउट आ गया, मैं गंदा पढ़ाता हूँ। आओ पीएफआई का मतलब क्या है, इन लोगों को पीएफआई बोलते हैं। खत्म। किसको बोलते हैं, देखो एलआईसी को बोलते हैं, IDFCL को बोलते हैं, UTI को बोलते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं जो कहां मेंशन्ड है सेक्शन 465 में। इसके अलावा किसी और को भी क्या PFI घोषित कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको किससे पूछ के घोषित करेंगे, RBI से पूछ के। किसको घोषित करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सेंट्रल स्टेट एक्ट के थ्रू पास हुआ हो या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो। तो वो कंपनी बन सकती है क्या पीएफआई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो, लेकिन करेगा किससे पूछ के, आरबीआई से। ये वो लिस्ट है पीएफआई की। क्या बताया मैंने स्पेशल, कुछ भी नहीं ले रहे हो तुम। हाँ क्या पूछा, नहीं ये नहीं पूछा मेरा, समझ आ गया, यही तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आए नहीं थे। फिर ठीक है, फिर ठीक। चलो पेज नंबर 134 पे आए सब बच्चे। अगर आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पार्ट वन पार्ट टू देख लें, तभी पार्ट थ्री समझ आएगी। पार्ट वन देखा ही नहीं होगा तो पार्ट टू पार्ट थ्री कैसे समझ आएगा। YouTube पे आ चुका है, अरे तुम्हें क्यों, उनके लिए बोल रहा हूँ ना जो YouTube पे देखेंगे। आओ पेज नंबर 134 कर लिया ओपन। अभी डल रहा है वो YouTube पे, ठीक है, छुट्टी छुट्टी में थर्ड भी डल जाएगा। तो मैं उनके लिए बातें कर रहा हूँ जो YouTube पे देख रहे हैं। इसका अभी वाली क्लास से कोई लेना देना, तुम अपना फोकस रखो, मैं YouTube वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, पढ़े आओ। चलो अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना, हाँ बेल आइकन भी दबा दो। और कुछ कमेंट करना चाहिए, कई बार कमेंट करने से आपको अपनी जिंदगी का हमसफर मिल जाता है कमेंट सेक्शन में। आओ पढ़े, चलो पढ़े। अरे हाँ, जो बच्चा कमेंट और लाइक करेगा इस वीडियो को, भगवान उसको दिसंबर 2023 का एग्जाम पास कराए, ठीक है, अब तो कर ही देगा। पार्ट थ्री को पढ़े हम, चलो आओ सेक्शन वन पेज नंबर 134 पे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, तो पहली कंपनी होगी होल्डिंग और सब्सिडी पढ़ेंगे, और दूसरी पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी। दो कंपनियां पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर। कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कंपनी हो सकती है, हम कह रहे हैं एक तो हो सकती है होल्डिंग सब्सिडी और एक क्या हो सकती है एसोसिएट। हमने पहली क्लास में भी थोड़ा हिंट लिया था, लेकिन आज उस हिंट को थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। एक कंपनी ए लिमिटेड, इस कंपनी ने अगर बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है, तो हम कहते हैं कि बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी किसकी, ए लिमिटेड की। तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या कहलाएगी, होल्डिंग कहलाएगी। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि जो होल्डिंग टर्म और सब्सिडी कंपनी टर्म है, ये रिलेटिव टर्म्स है। मतलब होल्डिंग तभी कहलाएगी जब उसकी सब्सिडरी होगी, एंड सब्सिडी तभी कहलाएगी जब उसकी कोई होल्डिंग होगी। होल्डिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है सब्सिडरी के बिना, और सब्सिडी का कोई अस्तित्व ही नहीं है होल्डिंग के बिना। नहीं समझे, मतलब मेरा बच्चा 11 महीने का हो गया, अगले साल कह रहा हूँ, अगले महीने वो पूरे एक साल का हो जाएगा, तो वाइफ कह रही है इसकी बर्थडे पार्टी कहाँ करें। मैंने कहा इसको पता ही नहीं कि बर्थडे केक भी काट रहा है कि नहीं काट रहा, इसको हो जाने दो एटलीस्ट 3-4 साल का, जब इसके दोस्त होंगे तब सोचेंगे।
कहीं नहीं पार्टी करते हैं। मैंने कहा तो ठीक है पार्टी करते हैं, लेकिन बच्चे की पहले बर्थडे की नहीं, हमें पेरेंट बने एक साल हो गए इसकी। अगर उसको एक साल हो गए तो मुझे भी तो एक साल बाप बने हो गए, बोलो हाँ ठीक है। तो मैं बाप हूं तो वो बेटा है, तो मेरा बाप होने का अस्तित्व किस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा कोई बेटा है, अरे बोलो हाँ। तो कॉन्सेप्ट लेना रिलेटिव टर्म हुई ना, एक माँ अपने आप को माँ कब पुकार सकती है, जब उसका कोई बच्चा हो या बच्ची हो, बोलो हाँ। तो जब तक बच्चा नहीं या बच्ची नहीं तब तक माँ नहीं, तुम समझ हो ना। सब्सिडी सब्सिडी देखो ऐसी सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि मैं किन का, आप पूछो सर आप टीचर किसके हो, तो मैं टीचर अपने आपको तभी पुकारूंगा ना जब कोई मुझे अपना स्टूडेंट पुकारेगा। देखो डेफिनेशन पढ़ो, जब कोई बच्चा अपने आप को मेरा स्टूडेंट पुकारेगा तो मैं उसके लिए क्या हूं, टीचर। अदरवाइज तो आम इंसान। पढ़ो डेफिनेशन पढ़ाता हूं, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। मैं एक टीचर हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने आप को मुझे अपना शिष्य कहते हैं। पढ़ो पढ़ो डेफिनेशन, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर। तो जो कंपनियां अपने आप को मेरी सब्सिडरी पुकारती हैं मैं उनके लिए क्या, होल्डिंग। कितनी प्यारी डेफिनेशन है ऋषभ कौर, आप टीचर हो इसकी क्या डेफिनेशन है, मैं टीचर उनके लिए हूं जो बच्चे मुझे क्या कहते हैं, सर हम आपके स्टूडेंट हैं। एक बच्चा कह रहे सर मैंने यूट्यूब पर अभी क्लासेस देखी है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं आपका स्टूडेंट। तो वो कैसा स्टूडेंट, यूट्यूब स्टूडेंट। एक बच्चा कह रहे सर मैंने यूट्यूब मैंने गूगल टाइप पेन टाइप पे आपकी क्लास ली है, तो वो कैसा स्टूडेंट, गूगल टाइप पेन टाइप वाला। आप कह रहे हो सर हम आपके फेस टू फेस बेस्ट लक्ष्मी नगर के बच्चे, तो आप भी मेरे स्टूडेंट। तो मैं किन किन का टीचर, जो बच्चा मुझे अपना गुरु माने मैं उसका गुरु, ये डेफिनेशन है। आगे समझ, अब स्टूडेंट कौन, मतलब होल्डिंग में तो समझ नहीं आया होल्डिंग कौन। तो सब्सिडी की परिभाषा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के नजरिए से देखें, किसी और कंपनी के नजरिए से देखें, और किसी और कंपनी को कंपनी क्या बोला, होल्डिंग कंपनी। किसी और कंपनी के नजरिए देखें तो अ सब्सिडी कंपनी इज अ कंपनी इन विच अ होल्डिंग कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी कंट्रोल करती है द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कंट्रोल कब आता है, 50 से कम में कंट्रोल आता है, कंट्रोल कब आएगा, 50। यानी कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो गए, 10। 10 में से अगर आपके 6 डायरेक्टर आप ही ने अपॉइंट किए उस कंपनी में, तो क्या आपकी कंपनी की उसमें चलेगी, या फिर और डायरेक्टर को हटा दो, या फिर कंट्रोल है आपका मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50 से ज्यादा क्या वोटिंग पावर, यानी शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं, या तो ईदर एट इट्स ओन खुद से, या फिर टुगेदर मिलजुल के किसके साथ, विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडी कंपनी। अकेले होल्ड नहीं कर रखे आपने, किसी और कंपनी के साथ मिलके होल्ड किया, वो किसी और कंपनी कौन है, आपकी सब्सिडरी कंपनी है। सर एग्जाम्पलों में समझते हैं, अगर एक कंपनी ने किसी बी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर ली, तो हमने बोला ये बी कंपनी क्या है, सब्सिडी कंपनी। किसकी, ए की। हमने कहा एक कंपनी और है ए ने किसी सी कंपनी को उसके भी शेयर्स खरीद लिए, उसकी भी वोटिंग पावर ले ली, कितनी, 50 से ज्यादा, तो बताओ सी कंपनी भी कौन, सब्सिडी। नेक्स्ट डी कंपनी में बी कंपनी ने होल्ड कर रखा है 30% से ज्यादा वोटिंग पावर, एंड डी कंपनी में सी कंपनी ने होल्ड कर रखा है 20 से ज्यादा वोटिंग पावर, आप बताओ क्या सी कंपनी इज द होल्डिंग ऑफ डी, वन हाफ तो नहीं है, क्या बी कंपनी इज द होल्डिंग ऑफ डी, वन हाफ तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर बी और सी की वोटिंग जोड़ लें तो कितना बनता है, 30 और 20 से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा, तो क्या डी इज द सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, क्योंकि ए 50% के ज्यादा के थ्रू बी को, बी से अपनी बात मनवा लेगा, और बी अपनी बात यहां कितनी चला सकता है डी कंपनी में, 30%। ऐसी ए सी से बोलेगा चल ऐसा काम कर, तो सी को काम करना पड़ेगा, सी डी से कितनी बात मनवाएगा, 20% से ज्यादा। तो दोनों की बातें मिला के ए इनडायरेक्टली क्या डी कंपनी में कंट्रोल कर रहे हैं, तो डी किसकी सब्सिडरी है, ए की सब्सिडरी है, वो बी की नहीं है,
वो किसकी सब्सिडरी है? ए की। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई ई कंपनी है, ई कंपनी में ए कंपनी ने ई कंपनी में कितना मोर देन 40% होल्ड कर रखा है, क्या ई कंपनी इज द सब्सिडरी ऑफ ए? नहीं। सर बी कंपनी ने ई कंपनी में मोर देन 20% होल्ड कर रखा है, अब क्या ई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है? 40 डायरेक्टली एंड 20 सब्सिडरी के थ्रू। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, फिर क्या लिखा है, ईदर एट इट्स ओन या टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या तो आपने खुद से होल्ड कर रखा हो या अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर होल्ड कर रखा हो, तो आप क्या हो? होल्डिंग कंपनी। हाँ, और मैं क्या हूं? सब्सिडी कंपनी। किसकी मैं सब्सिडी किसकी हूं? क्या ई इज द सब्सिडरी ऑफ बी? नहीं, क्योंकि तुम कितना होल्ड करते हो? 20। ई किसकी सब्सिडरी है? ए की, क्योंकि ए 40% अपनी चलाता है और 20% बी के थ्रू चलाता है, तो अल्टीमेटली मालिक तो ए ही हुआ, बी तुम तो मेरे मालिक। अब अगर मैं आपको बोलूं इस बात को परिभाषित करो, इस बात को डेफिनेशन में लिख के देखो, तो लिखना आसान है या नहीं? देखो, इतनी सी बात लिखनी बड़ी आसान थी। ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड की, डेफिनेशन कितनी प्यारी है। अगर एक कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर किसी और कंपनी के पास है तो वो होल्डिंग, मैं सब्सिडी। रायता फैलाते हैं, बी कंपनी ने 50% होल्ड किया किसको? ये कौन? सी क्या है? सब्सिडी। किसकी? बी की भी और ए की भी। अरे बोलो, सी कंपनी ने डी कंपनी को होल्ड किया कितना? 50% से ज्यादा, तो डी कंपनी किसकी सब्सिडी? सी की भी, बी की भी और ए की भी। डी कंपनी ने ई कंपनी को होल्ड किया 50% से ज्यादा, तो ई इज द सब्सिडी ऑफ डी की भी, सी की भी, बी की भी, ए की भी। यानी ए किस किस की होल्डिंग है? बी की भी, सी की भी, डी की भी और ई की भी। हम कह रहे हैं डी कंपनी ने किसी एफ कंपनी में कितना परसेंट होल्ड कर रखा है? मोर देन 30%। और सी कंपनी ने भी होल्ड कर रखा है कितना? मोर देन 20%। तो एफ कंपनी किसकी सब्सिडरी है? डी की नहीं, सी की नहीं, बट किसकी? बी की और ए की। अब जब मैं इसे रायतें फैलाऊंगा तो आप इस बात को सेंटेंस पिरोने में आसानी है आपके लिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे सब्सिडी कंपनी के मतलब बताओ, तो आप तो इसको बात को परिभाषित करने में बड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बोलो हाँ, इसी बात को अब ज्यादा सिंपल भाषा में समझो। देखो लॉ मेकर कितना कितना दिमाग रखता है। लॉ मेकर ने सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए और फिर लाइनें लिखी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू किसी भी कंपनी के रिलेशन में देख लो, किसी भी कंपनी के नजरिए से देख लो, मैं सब्सिडी कंपनी कहलाऊंगी अगर 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 एक कंपनी मुझमें होल्ड कर, अगर मैं कंपनी हूं और मुझमें होल्डिंग कंपनी क्या करती है? कंट्रोल करती है क्या? यानी 10 में से 6 डायरेक्टर किसके हैं? आपने अपॉइंट किए हैं। या फिर कंट्रोल करती है क्या मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी 100 में से 50 से ज्यादा, 50.05 ही क्यों ना हो, 50 से ज्यादा अगर आप मेरे वोटिंग पावर होल्ड करते हो, या तो कैसे? खुद से, या फिर कैसे? टुगेदर विद किसके साथ? अपनी सब्सिडी कंपनी के साथ मिला के। तो आप होल्डिंग बन जाएंगे और मैं आपकी सब्सिडी कंपनी बन जाऊंगी। और क्या इस लैंग्वेज की वजह से सब बन रही है? अरे बोलो हाँ। ये वाली किस में आ गई? ईदर एट इट्स ओन। और ये वाली कैसे आ गई? थ्रू इट्स सब्सिडी कंपनी। आई बात समझ? अरे हाँ, तो हम पूछे होल्डिंग कौन? अब होल्डिंग की प्रश्न बताओ, एक को तो पता भी नहीं उसकी सब्सिडरी कौन है, या पता है? बी ने, सॉरी सी ने और डी ने मिलके किसको होल्ड कर लिया? ए को तो पता भी नहीं, लेकिन एफ कंपनी क्या कर रही है? मैं तुम्हारी सब्सिडरी। कैसे? अरे वो तुमने बी को होल्ड कर रखा था, बी ने सी को, सी ने डी को, और सी और डी ने किसको होल्ड किया? मुझे, तो मैं तुम्हारी सब्सिडरी। अच्छा ठीक है, तो अब जरा होल्डिंग कंपनी की परिभाषा पढ़ो। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, किसी भी कम्युनिकेशन में मैं होल्डिंग कंपनी हूं, कब? अगर वो कंपनी अपने को क्या पुकार रही है? लैंग्वेज ऐसी है कि वो सूट कर रही है हमारे एग्जांपल पे, लेकिन अगर एग्जांपल के बेसिस पे हम लैंग्वेज बनाने पे खुद जाएं
तो शायद हमसे वो लैंग्वेज ना बन पाए, समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन लगाई, सच क्लास और सच क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी किसी स्पेशल टाइप की कंपनियों के लिए, कौन सी होल्डिंग कंपनियों के लिए, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कि ये होल्डिंग कंपनियां, ये होल्डिंग कंपनियां शेल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी लॉ बताएगा फ्यूचर में कि कितनी लेयर्स हो सकती हैं सब्सिडरी की, मतलब एक ने बी को होल्ड किया, बी ने सी को होल्ड किया, सी ने डी को, डी ने ई को, ऐसी कितनी लेयर्स तक हो सकती हैं। तो क्या लिखा है स्टडी मैट में, फाउंडेशन के कोर्स में, हम बताएंगे या एज में भी, लेकिन सीए इंटर में जब आप पढ़ने के लिए आओगे तो वहां पे ऑलरेडी बता रखा है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ नंबर ऑफ लेयर। और ये रूल्स कब आ गए, 2017 में, और इन रूल्स में क्या बताया गया, कितनी लेयर्स हो सकती है, नो कंपनी शेल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडी, दो से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती। अब आप कंफ्यूज, मैंने वैसे आपको कर दिया लेकिन मैं कंफ्यूजन निपटाना चाहता हूं, इंटर में क्या पढ़ेंगे, दो लेयर, फाउंडेशन में क्या पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे, तो हमसे क्या करें, बताएंगे के हिसाब से चलें या दो के हिसाब से चलें। अगर मैं बताएंगे पे जा रहा हूं, अगर मैं बताएंगे पे जा रहा हूं, तो ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडी सी, सी की सब्सिडी डी, डी की सब्सिडी, तो ई किस किस की सब्सिडी, डी की भी, सी की भी, बी की भी, ए की भी, बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं इंटर के हिसाब से पढ़ूं तो डी, क्या डी, क्या सी की सब्सिडी, यहां क्या डी बी की सब्सिडी, यहां बट डी ए की नहीं है, क्योंकि ये हो गया लेयर वन, ये हो गया लेयर टू, और बी के लिए ये हो गया लेयर वन, ये हो गया लेयर टू, सी के लिए ये हो गया लेयर वन, ये हो गया लेयर टू, तो सबका अपना अपना लेयर है। यानी डी ए के लिए, ए के लिए लेयर टू से लेयर थ्री पे आ गया, यानी कि इंटर में, इंटर में डी इज नॉट अ सब्सिडियरी फॉर ए, आई बात समझ, बट फाउंडेशन में, फाउंडेशन में तो तुमने हमें पढ़ाया नहीं ना कितनी लेयर्स होती हैं, तो फाउंडेशन में कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन फाउंडेशन में आई से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, फाउंडेशन में आईसीए का जो भी क्वेश्चन होगा वो दो लेयर पे सिमट ही जाएगा, वो क्वेश्चन ही ऐसा ड्राफ्ट करेंगे कि लेयर वाला प्रॉब्लम आए ही नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना दिया तो बच्चा क्या बोल सकता है, मैंने तो पढ़ रखा है दो ही होती हैं बाकी नहीं होती, लेकिन स्टडी मैट को ध्यान से देखें तो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन बताई नहीं है, तो आईसीए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे का मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा होगा, जरा उसको सॉल्व कर दे, करो सॉल्व, ऐसे ऐसे मत करना, कॉपी और पेन, इतना दिमाग शार्प नहीं है अभी आपका, हो जाएगा अभी नहीं है, क्या करेंगे आप, कॉपी और पेन निकाल के डायग्राम बनाएंगे। बीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होल्ड करती है 90,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली, यानी बीसी होल्ड करती है 90, केएल होल्ड करती है 70, ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, पहला वाला अमाउंट पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, किस कंपनी में, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, आओ जरा चेक करते हैं, एज पर क्वेश्चन क्या थियरी बननी है, बीसी ने किसको होल्ड कर रखा है, केएल को, साफ साफ बता रखा है कि ये तो इसकी सब्सिडी है ही, है ही, अब वो कह रहे हैं कि ये तो सब्सिडी है, ये होल्डिंग कंपनी हो गई, अब कह रहे हैं बीसी कंपनी ने पीक्यू कंपनी में कितना होल्ड कर रखा है, 90,000, और केएल कंपनी ने पीक्यू में कितना होल्ड कर रखा है, 70,000, 70 प्लस 90 कितना होता है, 1,60,000। चलो क्वेश्चन पे दोबारा पहुंचे, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू लिमिटेड इज 30 लाख, मतलब 3 लाख शेयर्स 10 रुपए के, तो 1,60,000 को 3 लाख से अगर आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो क्या परसेंटेज निकलता है, 50 से ज्यादा, अरे हाँ। तो क्वेश्चन ये कि आप मुझे एनालाइज करके बताओ कंपनीज एक्ट पढ़ के, कि क्या पीक्यू लिमिटेड सब्सिडी है बीसी की, केएल की नहीं पूछ रहे, वो पूछे बीसी की, डायग्राम दोबारा देखो, वो पूछे क्या पीक्यू सब्सिडी है बीसी की, क्योंकि बीसी किसकी होल्डिंग है,
केएल की, तो सब्सिडी और खुद से मिला के कितना हो गया 1,60,000, विच इज मोर देन 50% ऑफ 3,00,000, बोलो हाँ। तो पीक्यू तुम क्या बन गए, यस और नो, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद सब्सिडी के डेफिनेशन के अंदर आ गया। अरे हाँ, चलो आगे का हिस्सा, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय बीसी इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, अब आपका आंसर क्या होगा। तो अब डायग्राम पता कैसा बन रहा है, बीसी ने किसको होल्ड किया, केएल को, और केएल ने 1,60,000 शेयर होल्ड किए किसमें, पीक्यू में। अब पीक्यू एक्चुअली में सब्सिडी अब किस किस की बन गई, केएल की भी और बीसी की, लेकिन वो केएल का नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं क्या ये बीसी की सब्सिडी है क्योंकि सब्सिडी ने होल्ड कर रखा है। और ध्यान से देखो तो ये लेयर वन, ये लेयर टू, इसके नीचे हम जा भी नहीं रहे, तो क्वेश्चन बना ही ऐसा कि लेयर नहीं भी पढ़ो तो भी आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आए समझ। अरे हाँ सर, ये लेयर वेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्यों है ये, आज आपको लगेगा कि बकवास है, लेकिन जब आप सी एंटर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, एक लाइन वहां पे लिखी होगी कि चार्टेड अकाउंटेंट अगर आप एक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो आप एक कंपनी की होल्डिंग का भी ऑडिट नहीं कर सकते, आप एक कंपनी की सब्सिडी कंपनी का भी ऑडिट नहीं कर सकते, आप एक कंपनी की एसोसिएट कंपनी का भी ऑडिट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है लॉ में। तो आपको वहां पहचानना पड़ेगा कि एक कंपनी की होल्डिंग कौन है क्योंकि उसका भी ऑडिट नहीं कर सकते। तो सपोज एक कंपनी की एक है होल्डिंग वन, होल्डिंग वन को किसी और ने खरीद रखा है, मतलब 51% कंट्रोल है होल्डिंग टू का, होल्डिंग टू पे किसी और का कंट्रोल है होल्डिंग थ्री का, ऐसी एक एक सब्सिडी वन है, उसने किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडी बना रखा है, उसने किसी तीसरी कंपनी को सब्सिडी नहीं बना रखा है, तो आप बताओ सीए किस किस का ऑडिट नहीं कर सकता, अगर वो इसका नहीं कर सकता तो इसका भी नहीं कर पाएगा, इसका भी नहीं, लेयर टू खत्म, इसका कर सकता है, ऊपर जा रहे हैं, एक इसकी सब्सिडी है, इसकी नहीं कर पाएगा होल्डिंग है, इसका नहीं कर पाएगा होल्डिंग है, इसका कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो होल्डिंग ही नहीं है, वो लेयर टू के ऊपर चली गई, क्योंकि मैं सिर्फ किस तक की सब्सिडी हूं, दो लेयर तक ऊपर ना ऊपर, दो लेयर नीचे तक। तो इससे मैं क्या समझ आया, ये समझ आया कि तू किसका ऑडिट कर सकता है सीए और किसका ऑडिट नहीं कर सकता, हाँ है ना, लेकिन वो तो हम तब समझ पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का मतलब क्या होता है। अरे हाँ, और फाउंडेशन में मतलब पूरा पढ़ रहे हैं या आधा अधूरा, आधा अधूरा, इंटर में पढ़ेंगे लेयर्स भी, फाउंडेशन में क्या पढ़ा, लेयर्स कितनी होती हैं, एज में बी प्रिस्क्राइब, आपको अंदर से पता है, फिर आपका क्वेश्चन फिर से, सर आपने हमें ज्यादा ज्ञान दे दिया लेकिन फाउंडेशन में इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन जैसा भी बनेगा वो लेयर टू के ऊपर जा ही नहीं रहा होगा, क्यों, जब पढ़ाया नहीं तो पूछ कैसे ले, आई बात समझ, पक्का। एक छोटा सा पॉइंट और उठता है सर, हाँ पूछो सर, यहाँ पे वर्ड लिखा है वोटिंग पावर, क्या वर्ड लिखा है, जब आपने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाया था तो वहां लिखा था पेड अप शेयर कैपिटल, जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो, कहीं पे आप पढ़ा रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल और कहीं पे क्या पढ़ा रहे हो वोटिंग पावर, क्या अंतर है इस बारे में, वही पढ़ा रहा हूं। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आपको पता है इसको इक्विटी से प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड बटेगा तो इसको प्रेफरेंस को पहले मिलेगा, कंपनी वाइंड अप होगी तो प्रेफरेंस वालों का पैसा पहला मिलेगा, बच गया तो इक्विटी वालों को मिलेगा। इक्विटी वाले भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीवीआर, ये जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो आप 12th क्लास के बाद, और दूसरे होते हैं अदर्स, अदर्स आपको पता है, आपने अभी तक अदर्स ही पढ़े, इनके पास वोटिंग करने की पावर होती है, अगर मैं पोलिंग करवाने जाऊं, क्या करवाने जाऊं, पोलिंग, तो वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, अगर आपके 10,000 शेयर है तो आप 10,000 वोट कर सकते हो, 50,00,000 शेयर है तो 50,00,000, 7 शेयर है तो 7 वोट, वन शेयर इक्वल टू वन वोट अगर मैं पोल करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, लेकिन डीवीआर फुल फॉर्म क्या है इसकी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, नाम से ही समझ आना चाहिए कि डिफरेंस है किसमें, वोटिंग राइट में। अब दो टाइप के डीवीआर हो सकते हैं, पहला जहां 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 अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो आपको आपको डिविडेंड मिलेगा
दस इंटू दस शेयर का मतलब कितना डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10 गुना ज्यादा, 100 शेयर्स का। लेकिन ऐसे केस में ना आप वोट कर पाओगे सिर्फ 1 शेयर का, मतलब 1/10 हो गया वोटिंग पावर। 10 शेयर होंगे तो कितना वोट कर पाओगे, एक सेकेंड, 10 शेयर होंगे तो कितना वोट कर पाओगे, एक वोट। ऐसे शेयर्स कौन खरीदना चाहेगा, मुझ जैसे लोग जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पढ़ाने में व्यस्त हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि कंपनी में जाके मीटिंग अटेंड करें। क्या कंपनी कैसे काम करे उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट बस किसमें, कंपनी में पैसे लगा दिए, ये पैसा बैंक में लगाता तो 10 रुपए पे, 100 रुपए पे 5 रुपए मिलते, बिकॉज बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। लेकिन कंपनी में लगाने से क्या हो रहा है, 100 रुपए के शेयर पे साल के अंदर 20 रुपए डिविडेंड आ जाते हैं, तो मेरे पैसे पे कितना रिटर्न आ रहा है मुझे, 20 रुपए का, मैं उस बात से ज्यादा खुश हूँ। तो मैंने डिविडेंड लेने के लिए क्या कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेरे को कंपनी में क्या करना है, कैसे करना है, इसमें कोई इंटरेस्ट। तो ऐसे लोग कैसे शेयर्स खरीदना चाहेंगे, ऐसे वाले, हाँ, कि 10 शेयर खरीद लो और डिविडेंड कितना मिले, 100 शेयर्स का, लेकिन वोटिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 10 शेयर पे अगर एक वोट भी मिलना है ठीक है, वोट तो मुझे करना ही नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों को कंपनी में क्या होना चाहिए इसमें इंटरेस्ट है, वो कहना अगर हमने ढंग से डिसीजन लिया ना, हमने ढंग से डिसीजन लिया तो 100 रुपए के शेयर की मार्केट वैल्यू 2 महीने के अंदर 140 रुपए हो जाएगी, 140 का शेयर बेच के मैं निकल जाऊंगा। 2 महीने में उसने 100 का 40 कर लिया और मैं पूरे साल भर वेट कर रहा हूं कि 100 में 20 रुपए का डिविडेंड मिले। उसका कोई और एम है, मेरा कोई और एम है, तो वो कैसे शेयर खरीदेगा जहां उसके पास 10 शेयर पे क्या हो डिविडेंड मिले, 1 शेयर का डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, क्या चिल्ला कमा के क्या करूंगा, मुझे तो 10 शेयर पे 100 वोटिंग पावर चाहिए, यानी 1 शेयर पे कितना वोट कर सकता हूं, 10, और अगर 10 शेयर है तो 100 वोट कर सकता हूं मैं। इसको ऐसे शेयर्स चाहिए होंगे, यानी यहां पे शेयर्स और वोटिंग राइट सेम नहीं है, डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं, DVR, क्या बोलते हैं, आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा 11th 12th में, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इंटर में आपको इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी भी मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं कि ये क्या होता है। तो अगर एक कंपनी में DVR शेयर इशू हो रखे हैं, क्या इशू रखे, DVR शेयर, तो आप मुझे बताओ 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करने से पावर आती है या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होने से कंपनी में पास पावर आती है। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर, क्या वो डेफिनेशन इस अदर्स में भी काम कर जाएगी, यहां तो शेयर कैपिटल बोलो वोटिंग पावर बोलो सेम ही बात है, बोलो हाँ सेम ही बात है ना, आपके पास 1 शेयर है सेम है, 1 वोटिंग पावर है सेम है, बिकॉज यहां दोनों का मतलब सेम होता है, पंगा कहां होगा इस लैंग्वेज में। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कंपनी के 1 शेयर है तो आप पावर रखते हैं, नहीं भाई 1 शेयर पे मेरा पावर कितना है, 1/10, 1 शेयर है आप तो 10 गुना पावर रखते हो, हाँ हाँ 10 गुना पावर, यानी कंपनी कौन चला रहा होगा, जिसके पास 10 गुना राइट होंगे क्या करने के, वोट करने के। तो सही वर्ड क्या है, शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर, सर चलो ये समझ आ गया वोटिंग पावर, लेकिन फिर ये बताओ गवर्नमेंट कंपनी में भी शेयर कैपिटल क्यों लिखा, यहां क्यों वोटिंग पावर नहीं लिखा, नोट पढ़ लो, नहीं पढ़ाया था कल आज पढ़ा रहा हूं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, पेड अप शेयर कैपिटल को आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे क्या लिखा है वहां, अगर उस कंपनी में क्या इशू कर रखे, अगर उस कंपनी ने सिर्फ अदर शेयर इशू कर रखे तो आप वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल ही पढ़ लो, लेकिन अगर उस कंपनी में कौन से शेयर इशू हुए पड़े, DVR, तो वहां शेयर कैपिटल वर्ड मत पढ़ना, और 51 क्या पढ़ना, वोटिंग पावर। यानी यहां भी साफ साफ कह दिया कि वर्ड क्या है, लेकिन ऊपर जब हम पढ़ रहे हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, यहां पहले से ही क्या लिखा है, ताकि बाद में नीचे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ना पड़े, हाँ या ना, पक्का, अरे हाँ सर समझ आ गया वोटिंग पावर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं, अब क्या समझ नहीं आया तुझे, सर यहां जो क्वेश्चन दे रखा है, यहां कह रखा है 90,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, 70,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, सर क्वेश्चन गलत है, यहां क्या होना चाहिए था, हो जाती हैं गलतियां, ऐसे लड़ोगे यानी यहां क्या मान के चला जा रहा है,
वन शेयर इज इक्वल टू वन वोटिंग पावर, ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, या नोट में ये लिख के आओगे? नहीं नहीं नहीं, तुमने क्वेश्चन में वोटिंग पावर तो लिखा नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये होल्डिंग हो भी कि सब्सिडी हो, क्या पता इस, क्या पता यहाँ पे एक शेयर पे कम राइट हो, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? बताओ ना ये शेयर है वोटिंग पावर है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? ऐसे गलत हरकत करना मत, क्या मान के कर लेना वो क्वेश्चन, वो अदर शेयर्स वाला है जहां पे एक शेयर पे क्या होता है, ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है एक्स ने वाई के साथ कॉन्टेक्ट किया कि मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, क्या मुझे अपनी गाड़ी बेचेगा, और वाई कह रहा है डन बेचूंगा, बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नेगेटिव इंसान क्या बोल सकता है? हमें कैसे पता चले कॉन्ट्रैक्ट है? आपने बताया कि सभी बंदूक रखी हुई है कि नहीं रखी, आपने बताया एक्स और वाई मेजर है या माइनर है, पहले पूरा बताओ, तुमसे ना हो पाएगा फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन जिस हालात में पूछा गया है, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन के बेसिस पे पूछा गया है, बता दो हाँ है, अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बाकी सब चीजें इंप्लाइडली होंगी। तो वन शेयर का मतलब क्या है? वन वोटिंग पावर, ये पंगे कब आएंगे? डीवीआर वाले शेयर्स में, जहां पे शेयर्स और वोटिंग पावर सेम नहीं होती, ऊपर नीचे हो सकती है, आई समझ? अरे हाँ पक्का ना? तो अगर मेरे मुंह से कभी गलती से निकल जाए, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो वो कंपनी होल्डिंग वो कंपनी सब्सिडी, लड़ने मत बैठ जाना। शेयर मतलब ही वोटिंग पावर होता है, वो तो अब समझ आ गया कि वोटिंग पावर कैन बी डिफरेंट विम शेयर। अगर कंपनी में कैसे शेयर होंगे? डीवीआर, कौन से शेयर होंगे? क्या डीवीआर शेयर एक अच्छा मूव है? जिनको वोटिंग करने में इंटरेस्ट है वो कौन से शेयर खरीदेंगे? एक शेयर पे 10 वोट मिलने वाले, और जिनको सिर्फ, जिनको वोट करना ही नहीं, जिनको डिविडेंड में फायदा फोकस करना है, वो कौन से शेयर लेंगे? एक शेयर पे 10 का डिविडेंड मिल जाए लेकिन वोटिंग पावर 110 दे दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज मुझे कंपनी में आके वोट करने भी नहीं है, मेरे को डिविडेंड से मतलब है। तो अब जिसको जैसा हमसे वोट लेके उसको दे दिए, उसका डिविडेंड छीन के हमको दे दिया, अरे बोलो हाँ, जैसा टाइप का तू चाहता है वैसा टाइप का धंधा कर। हाँ, चलो खत्म करो एक बार, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी पढ़ के जल्दी खत्म करेंगे, खुद से पढ़ो, फुल स्क्रीन कर देना सर, ये बच्चे एक बार खुद से परिभाषा पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। जिस बच्चे को YouTube पे बैठ के कोई डाउट है, उसके लिए मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझको WhatsApp करके पूछ लेना, वैसे डाउट आना नहीं चाहिए। बाकी सब पढ़ रहे हैं जल्दी से, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? मैं उन कंपनियों की होल्डिंग हूं जो मेरी सब्सिडी नहीं, जो मुझे अपने आप की सब्सिडी पुकार रही, तो सब्सिडी का मतलब क्या है? किसी और कंपनी के लिए मैं सब्सिडरी कंपनी हूं, अगर होल्डिंग कंपनी क्या मेरे डायरेक्टर, उसने कॉम्पोजिट किए, मतलब 10 में से 6 डायरेक्टर उसने बैठाए हैं, तो उसका कंट्रोल आ गया एज ए डायरेक्टर, या फिर वो कंट्रोल कर दिए क्या हाफ से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा वोटिंग पावर, या तो कैसे, या फिर अपनी सब्सिडी में। तो ऐसे तो होल्डिंग की सब्सिडी, सब्सिडी की सब्सिडी, सब्सिडी की सब्सिडी, सब्सिडी की सब्सिडी, क्या ये सब उसकी सब्सिडी है? हाँ, क्योंकि अभी तक हमें, लेकिन जब इंटर में जाएंगे तो पता है कितनी, 2 लेयर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा कि वो 2 लेयर के नीचे जा भी नहीं रहा होगा, ठीक है? हाँ हाँ, हो, हे, चलो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पब्लिक कंपनी में, कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी क्या हो जाती है, उस पर पिया का रंग चढ़ जाता है, पब्लिक की सब्सिडी पब्लिक मानी जाएगी, बेशक वो कागजों में क्या हो, प्राइवेट। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में
20% से ज्यादा या बराबर भी, इज इक्वल टू का भी साइन लगा है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है तो हम वाई कंपनी को पुकारेंगे एसोसिएट। सर एक्स को क्या पुकारेंगे? उसका कोई नाम नहीं है। वाई को क्या पुकारेंगे? सर ऐसे तो जी ने भी 20% होल्ड कर सकती है, हाँ। सर ऐसे तो ए कंपनी भी 20% होल्ड कर सकती है, हाँ, क्योंकि 20% तो एक से ज्यादा कंपनी होल्ड कर सकती है ना। 50 से ज्यादा तो कोई एक ही होल्ड कर पाएगी, लेकिन 20-20 तो पांच भी कंपनियां होल्ड कर सकती हैं, बोलो हाँ। तो अगर हम देखें तो वाई कंपनी तुम किस किस की एसोसिएट हो? मैं ए की भी हूं, जी की भी हूं, एक्स की भी हूं। लेकिन क्या एक्स वाई की एसोसिएट है? नहीं। वाई एक्स की क्या है? क्योंकि एक्स थोड़ी बहुत अपनी चला सकता है वाई में, 20% तो चला ही सकता है। अरे हाँ, क्या 20% जी भी चला सकता है अपनी? क्या 20% ए भी चला सकता है अपनी? जहां मेरी थोड़ी बहुत चल सकती है वो मेरी एसोसिएटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? सर एक छोटा सा सवाल, हाँ पूछो। सर अगर एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में 60% से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो बताओ, क्योंकि 20 से ज्यादा तो 60 भी होता है, 20 से ज्यादा तो 60 भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है, 50 से ज्यादा। अरे बोलो हाँ। तो लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी सी लिखी है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, किसी और कंपनी के नजरिए से देखें तो एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, अदर कंपनी उसका कोई नाम नहीं है, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मजा आता है पता है लॉ मेकर को ऐसे मजे लेने में। कह रहे कोई दूसरी कंपनी अगर मुझ में क्या रखती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब नीचे, सिग्निफिकेंट मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट। ये सीधे सीधे लाइन ऊपर नहीं लिख सकते थे क्या? मजा आता है लेकिन। ऊपर क्या लिखा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नीचे क्या डिस्क्राइब किया? मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या? 20 भी चलेगा, हाँ, इक्वल टू भी, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर वही कंट्रोल और पार्टिसिपेशन ऑन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। मतलब वही डायरेक्टर अगर 10 है तो कितने आपके हैं? 2 भी हैं तो आपका अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, ऐसी ये लाइन लिख के क्या कर दिया इसने? सब्सिडरी को एसोसिएट नहीं बोलेंगे, यानी 20 से लेके 50 तक क्या हो? एसोसिएट। और 50 से ऊपर होती क्या हो गए तुम? सब्सिडी। और सब्सिडी कंपनी एसोसिएट नहीं कहलाएगी। तो लैंग्वेज ऐसी बनाई कि जो 60 लिख के बैठा है, जो 60 होल्ड करके बैठा है, हमने उसे क्या बोल दिया? वो सब्सिडी है। और उस केस में तू भाई होल्डिंग है, वो सब्सिडी है तो नहीं समझे। वन बॉयफ्रेंड कैन हैव, मतलब इस बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड है और ये अपने आप को सी की गर्लफ्रेंड ही बताती है और ये अपने आप को डी की गर्लफ्रेंड ही बताती है। एसोसिएट तुम कईयों की हो सकती हो, अरे बोलो हाँ, लेकिन वाइफ तो एक की ही होगी ना। तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्यों बकवास कर रहे हो? होल्डिंग सब्सिडी के बीच एक ही रिलेशनशिप होगा, बोलो हाँ। क्योंकि होल्ड कब करोगे आप? जब आपका उस कंपनी में 50% से, तो 50% ज्यादा तो एक ही हो सकती है, बोलो हाँ। दूसरी तो 49.99 होगी ना, 50 तो नहीं है, लेकिन 20% वाला रिलेशनशिप बहुतों के साथ हो सकता है, बोलो हाँ। इसने वहां पे इसका कोई नाम ही नहीं दिया, वहां पे इनको क्या बोला? तुम कुछ भी सही, बस इसको नाम दिया, तुम कौन? तुम एसोसिएट। और अगर तुम सब्सिडरी बन गई तो फिर ए क्या बन जाएगी? फिर वो होल्डिंग कंपनी कहलाना शुरू करेगी। तो सब्सिडरी कब बनती है? 50 के बाद। तो 20% से अगर 50% के बीच में हमने आपको होल्ड कर रखा है तो हमारा कोई नाम नहीं, तुम कौन? तुम एसोसिएट हो। आई बात समझ? एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। तो अगर सपोज होंडा कंपनी एंड हीरो कंपनी, तो कंपनियां मिलके आपस में जॉइंट वेंचर खोल दिए, क्या खोल दिए? आओ दोनों मिलके हीरो होंडा कंपनी के नाम से मोटरसाइकिल बनाएंगे, बेचेंगे। हमने कहा ठीक है,
तो पार्टनरशिप अगर दो कंपनियों के बीच हो रहा है तो उसे क्या पुकारते हैं? ज्वाइंट वेंचर। हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर क्या है? हमने कहा ये एसोसिएट कंपनी है, दोनों ही दूसरे की क्या है? एसोसिएट, क्योंकि वो जोड़ दिया। कह रहे एंड 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 इंक्लूड्स, पढ़ेंगे आराम से डेफिनेशन, पढ़ो एसोसिएट कंपनी की परिभाषा, पढ़ो पढ़ो फिर से पढ़ो। एसोसिएट कंपनी की परिभाषा क्या है? इन रिलेशन टू किसी और कंपनी के नजरिए से देखा जाए तो एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट दूसरी कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। एंड इंक्लूड कर लिया किसको? अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है पढ़ लो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि उस कंपनी का आपकी कंपनी में कितना, एटलीस्ट 20% भी चलेगा, उससे ज्यादा है तो फिर तो अच्छी बात है। एटलीस्ट 20% आपका क्या है, वोटिंग पावर वो होल्ड करके बैठा हुआ है या फिर कंट्रोल है उसका डिसीजन में। डिसीजन मतलब डायरेक्टर उसके हैं, कितने? एटलीस्ट 20%। तो हम क्या बोलेंगे, वो कंपनी के आप क्या बन गए? एसोसिएट। ठीक, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था मनगढ़ंत कि चार्टेड अकाउंटेंट अगर इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता तो होल्डिंग का नहीं कर सकता, इसकी एसोसिएट का भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस कंपनी ने किस किस कंपनी के, एक्स के, वाई के, जी के, पी के, क्यू के, इन सबके 20% शेयर खरीद रखे हैं। तो आप इसका भी ऑडिट नहीं कर सकते, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, क्योंकि ये सब क्या है? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसका ऑडिट नहीं कर सकता, वो लॉ तो इंटर में पढ़ेंगे, आज तो हम बस क्या पढ़ रहे हैं, होल्डिंग कंपनी कौन होती है, ताकि कल अगर कोई बोले होल्डिंग कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते, एसोसिएट का नहीं कर सकते, सब्सिडी का नहीं कर सकते, तो हमें पता है, हमें पता है किस किस का ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ ली कि होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है। आई बात समझ? क्यों नहीं कर सकते हो कि इन सबका आपस में कोई ना कोई लेना देना है? मैं 50% होल्ड करता हूं तो अगर मैं तेरे साथ ऑडिट नहीं कर सकता तो मैं उसके भी नहीं कर सकता, उसके साथ भी मेरे रिलेशनशिप हो जाएंगे। अरे हाँ, है ना? क्या आशीष कालना सर चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या वो आईजीपी का ऑडिट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वही आईजीपी के शेयर होल्डर भी है, वही आईजीपी के डायरेक्टर भी है, तो वो अगर ऑडिट करने जाएंगे तो क्या ढंग से ऑडिट कर पाएंगे, इंडिपेंडेंस रख पाएंगे, अपने भाई खाते गलत दिखाएंगे? वो बोलो हाँ। इसलिए हमने बोला अगर आप इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते तो आप होल्डिंग का भी नहीं कर सकते। अब ऐसे आईजीपी ई लर्निंग इज अ सब्सिडी ऑफ आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर तुम होल्डिंग का नहीं कर सकते तो बाकी सब्सिडी में तो तुम्हारी चलती होगी। इसलिए ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए? इंटर में पढ़ेंगे। मैं तो आज क्या पढ़ाने बैठा हूं, डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसेट कंपनी। आगे जाके पढ़ेंगे कि इनके क्या मायने होंगे। ठीक है, मैं बस अभी आपको क्या पढ़ाऊं, रावण कौन था, राम कौन था, ताकि जब कहानी पढ़ाऊं जटायु ने रावण तो तब ये मत पूछो जटायु कौन था, पात्रों के नाम आज जान लो, समझो। तो आज मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं ताकि कल इंटर में लॉ पढ़ने में इजी रहे। ठीक है जी, एग्जांपल पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक, हाँ हाँ हाँ, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर एक कंपनी बी कंपनी का मोर देन 50% ज्यादा वोटिंग पावर रखती है तो बी कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडी, और ए कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग। उसके बाद अगर बी कंपनी किसी सी कंपनी में 50% ज्यादा वोटिंग पावर रखती है तो सी कंपनी सब्सिडी कहलाएगी बी की, और क्योंकि डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि खुद से या सब्सिडी कंपनी के थ्रू, अगर मैंने तुम्हारे 50% होल्ड कर रखा है तो तुम मेरी सब्सिडी और मैं तुम्हारा होल्डिंग, लैंग्वेज ऐसी है। अगर एक कंपनी ने किसी ई कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर रख रखी है तो ई इज एसोसिएट ऑफ ए, एसोसिएट है ना। बी कंपनी ने इसमें होल्ड कर लिया 30% ज्यादा तो बी की एसोसिएट हो गई ई, लेकिन ई सब्सिडी हो गई ए की।
अरे बोलो हाँ, तो E इज सब्सिडियरी ऑफ A एंड E इज एसोसिएट ऑफ B, क्योंकि बट वो B की सब्सिडियरी नहीं है क्योंकि B ने अकेले तौर पे 50% होल्ड। अरे बोलो हाँ, अरे हाँ, अब जरा ऐसे देखते हैं, अगर आप इस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो इसका नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सब्सिडियरी है, इसका भी नहीं कर पाओगे क्योंकि सब्सिडियरी है, और इसका वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एसोसिएट है। लेकिन 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 थोड़ा सा एक अलग पंगा लाते हैं, सपोज हाँ रायता फैलाते हैं, सपोज बी कंपनी ने ई कंपनी को 20% होल्ड कर रखा है और ए कंपनी ने ई कंपनी को 10% होल्ड कर रखा है। लॉ कह रहा है अगर आप ए कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो ए की होल्डिंग, ए की सब्सिडी, ए की एसोसिएट कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, तो ए का ऑडिट तो कर ही नहीं सकते, क्या बी का कर सकते हैं? बाकी ये क्या हो गई, ए की कोई होल्डिंग है ही नहीं, क्या ई का ऑडिट कर सकते हैं? ए क्या ई की सब्सिडी है? नहीं, 10 और 20 मिला के 30 ही होता है। क्या ए ई को एसोसिएट पुकार सकता है? नहीं, 10% ही तो है। एसोसिएट ई किसकी है? बी की, और रेसेशन तो ए के एसोसिएशन पे ना, बी के एसोसिएट पे तो है नहीं, यानी ई का ऑडिट कर सकता है। तो इतने तगड़े वाले कॉन्सेप्ट तब क्लियर कर पाओगे जब एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी, आया ना? अरे हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, डोरमेंट कंपनी पे आ गए, आओ जरा डोरमेंट कंपनी पे। डोरमेंट पेज नंबर 136, आ गए। सर आपने कहा था हमारे फाउंडेशन में सेक्शन 1 से सेक्शन 10 तक कोर्स का पार्ट है, ये कौन सा सेक्शन आ गया ये बताओ? 455, ये तो 9 सा भी है। आईसीआई कह रहा है जब तुम डेफिनेशंस पढ़ ही रहे हो तो ये भी पढ़ लो, बट ये डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं थी, कहां थी? 455 में। आईसीआई कह रहा तो पढ़ लो ना, एक दो सेक्शन भूल जाओ, ये पढ़ लो, ठीक है? तो हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, ठीक है। डोरमेंट कंपनी क्या होती, क्या डोरमेंट वर्ड इससे पहले आपने कभी सुना है? हाँ, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। तो एक्टिव को ऑस्टेंसिबल बोलते थे, जो दिखता है, और स्लीपिंग को डोरमेंट बोलते थे, जो स्लीपिंग है, जो दिखता नहीं है। तो डोरमेंट कंपनी मतलब जो स्लीप कर गई, यानी एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही, उसे हम क्या बोल देंगे? डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी की जो परिभाषा है पहले उसको समझते हैं, पेज नंबर 136 मिल गया। चलो डोरमेंट कंपनी पढ़ रहे, आओ आओ। 2019-20 में मैंने बहुत प्रॉफिट छापा, मेरी कंपनी है और मैंने कंपनी में बहुत प्रॉफिट छापा। अब अगर आपकी कंपनी है ना, तो आपके ऊपर कुछ कंपनी से के रूल्स लगते हैं, ये आपको सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को देनी पड़ती है, मतलब बैलेंस शीट पीएनएल बना के किसको दो? रजिस्ट्रार को। इस साल मैंने ये प्रॉफिट कमाया, उसको ये बताओ। ऐसी सेक्शन 92 में एनुअली साल में एक रिटर्न जाती है, इसको एनुअल रिटर्न कहते हैं, सेक्शन 92 में जाती है वो, तो वो भी देनी पड़ेगी आरओसी को। लेकिन मैं पैसों में चकनाचूर, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया। मैं नेक्स्ट ईयर 2020-2021 में भी मैंने बहुत प्रॉफिट छापा, लेकिन फिर मैंने सेक्शन 137 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए, फिर सेक्शन 92 के अनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किए। गवर्नमेंट को, आरओसी को क्या लग रहा होगा? अरे कहीं ये मर तो नहीं गई, कहीं ये कंपनी खत्म तो नहीं हो गई, कहीं ये कंपनी स्लीप तो नहीं कर गई। तो अगर लगातार 2 साल तक मैं एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करूंगा तो कंपनी मेरे ऊपर टैग लगा देगी, उस टैग को बोल रहे हैं इनएक्टिव कंपनी। क्या बोल रहे हैं? 2021-22 में मैंने पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने चाहे, दोस्तों मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, डिपॉजिट्स खरीद लो मेरी कंपनी के, तो गवर्नमेंट बोल दिया आप डिपॉजिट्स इश्यू नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कह रही हमें तो यही नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते भी हो कि नहीं करते।
क्योंकि पिछले दो सालों से आपने क्या जमा नहीं किया एंड प्रोफेशन में, तो सॉरी आपके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ है? पहले इस इनएक्टिव के टैग को हटाओ। ये कब हटेगा? जब आप ये जमा करोगे पेनल्टी के साथ, फिर वो हटेगा। हटेगा तो क्या कर सकते हो? अब आप पब्लिक से डिपॉजिट्स मांग सकते हो। तो हमने दो साल के बाद ऑटोमेटिकली आपके ऊपर क्या टैग लगा दिया? इनएक्टिव। ये कंपनी एक्टिव नहीं है। और एक्टिव ना होने से क्या आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आ रही है? क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग रही है? हाँ। तो कोई कंपनी अपने को डोरमेंट कंपनी घोषित करवाना नहीं चाहती होगी। तो ये तो हमने देखा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। क्या देखा? कि डोरमेंट कंपनी बन गए तो ये नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। मैंने 2019-20 में कंपनी खोली, लेकिन 20 में लग गया लॉकडाउन, तो क्या मैं 20-21 में धंधा नहीं कर पाया? बिकॉज मेरा जो धंधा था वो तभी चलता जब लॉकडाउन नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं। 21-22 में भी मैंने क्या महसूस किया? लॉकडाउन लग रहा है, हट रहा है, मतलब मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा। तो दो साल ऐसी हरकतें देखने के बाद मैंने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट मुझे यार तुम डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट दे दो, मुझे डोरमेंट कंपनी घोषित कर दो। क्यों? अरे यार एक बात सुनो, मैं कंपनी हूं और कंपनी होने की वजह से कंपनी के सारे रूल्स मेरे ऊपर लग जाते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाऊं? बता क्या बनाऊं मैं? एक सेल नहीं, एक परचेज नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्या करूं मैं? बल्कि इसके चक्कर में, ये सारे रूल्स कंप्लाई करने के चक्कर में फीस जा रही है अलग से, जबकि मेरा तो कोई बिजनेस अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो इससे अच्छा भैया तो मुझे डोरमेंट घोषित कर दो। क्या ये पब्लिक लेना भी नहीं है पब्लिक डिपॉजिट? जब धंधा ही नहीं करा तो पैसे की लेके करूंगा क्या? यानी ये कंपनी डोरमेंट कंपनी क्यों चाहती है? ताकि इसे कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने से रिलैक्सेशन मिल जाए। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रही कि डिपॉजिट्स नहीं रेस कर पाओगे, पैसा नहीं ले पाओगे। ये तो चाहिए भी नहीं अभी भाई। जब धंधा करेंगे तो पैसा उठा लेंगे, अभी धंधा कर ही नहीं रहे। अभी तो हम डोरमेंट कंपनी अपने को क्यों घोषित करवाना चाह रहे हैं? ताकि डॉक्यूमेंट 10 में से सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े, 8 डॉक्यूमेंट देने से आजादी मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए। इसलिए मुझे क्या घोषित कर दो? डोरमेंट कंपनी। ये हमने इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा कि लोग डोरमेंट कंपनी बनवाना क्यों चाहते हैं, ताकि इनको काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट ना करने पड़े। तीसरी कंपनी, एक कंपनी खुली 19-20 में। क्यों खुली? सपोज कंपनी का नाम था IGP e-learning। क्या करोगी कंपनी? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रही मैं कोचिंग क्लासेस बेचूंगी ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में, रिकॉर्ड करके। लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए पहले 20-21 में क्या होगा? टीचर को लेंगे, फिर टीचर से बोलेंगे कैमरे के सामने खड़ा हो और अपना इंटेलेक्चुअल, अपना दिमाग मेरे कैमरे में डाल दे। मतलब जो तेरे पास इंटेलेक्ट है, जो दिमाग है, उसको तो रिकॉर्ड कर दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो IG बोलेगा ये पकड़ो 20 लाख रुपए, 20 लाख में हमने तुम्हारा दिमाग खरीद लिया। IGP की बैलेंस शीट में आएगा वो एसेट। बोलो हाँ। अब कोई बच्चा पेन ड्राइव खरीदेगा तो IGP एसेट से पेन ड्राइव बना के आपको बेच देगा, तो IGP उस 20 लाख की एसेट से क्या बहुत प्रॉफिट छापेगा? लेकिन प्रॉफिट तो तब छापेगा ना, सेल परचेस तो तब होगी ना, बिजनेस तो तब करेंगे ना जब पहले वीडियो बन जाए। तो 20-21 में हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड। पूरा साल लग गया रिकॉर्ड करने में। फिर 21-22 में हमें क्या करना है? इसकी सैंपलिंग देखनी है। यानी 2-3 बच्चे बुलाएंगे, 2-3 लोग बुलाएंगे और क्या बोलेंगे उनसे? क्या वीडियो पढ़ के समझ आ रही है? अब एक बच्चा एक साल की वीडियो एक दिन में तो देख नहीं सकता, वो भी आराम से देखेगा ब्रेक ले लेके, और कह रहा है यार इसमें ना ये वाले, यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ी वीक हो गई टीचर की, यहाँ थोड़ी वीक है। फिर हम क्या करेंगे 2022-23 में? उसमें जहां जहां चेंजेस करवाने होंगे वो करवाएंगे। 2024-25 में मान के चलो हम सेल परचेज के धंधे में आएंगे। तो इन 3 साल क्यों टेंशन दे रहे हो यार? ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। इन 3 सालों के लिए मुझे क्या घोषित कर दो? क्योंकि मैंने अभी एसेट बनाई नहीं है, मैं तो एसेट फ्यूचर में बनाऊंगा और जब एसेट बन जाएगी तो बेचूंगा। तो अभी मुझे क्या घोषित कर दो? क्या बहुत सारी फिल्म मेकिंग कंपनी भी अपने को डोरमेंट कंपनी बनवा लेती होंगी? एक कंपनी खोली हमने ताकि उस कंपनी के नाम से लिरिक्स कॉपीराइट ले सकें, उस कंपनी के नाम से गानों का कॉपीराइट ले सकें, उस कंपनी के नाम से स्टोरी का कॉपीराइट ले सकें।
मूवी रखा आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट की शादी हो गई, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, एक साल तक तो मूवी नहीं बननी, लेकिन कंपनी खोल चुके हम, डोरमेंट कंपनी दे दो। जब कंपनी बना के बेचेंगे, सामान बना के बेचेंगे, तब क्या करना, तब डोरमेंट कंपनी का टैग हटवा लेंगे। अभी के लिए हमें क्या घोषित कर दो, क्योंकि हम तो कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे, हमारे कोई कोई जनरल एंट्री तो कोई हो ही नहीं रही, तो पैसे किस बात के दें, ये सब डॉक्यूमेंट किस बात के सबमिट करें। आया समझ? हाँ है ना। चलो इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। डोरमेंट कंपनी पढ़े, अरे जागो थोड़ा, वो बच्चा कौन जो बात के जा रहा है, बात के जा रहा है। हाँ आप ही, आप बेटा, आप पड़ोसी तुम्हारा, आप फीमेल बच्चा। हाँ ये चोर की दाढ़ी में तिनका तो होना चाहिए, समझ आना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन जल्दी कौन बात कर रहा था। हाँ आप, आप, हाँ आप, तेरे पीछे, उसके पीछे, हाँ आप जिसने भी हाथ खड़ा किया, पड़ोसी तुम्हारा, बहुत बातें किए जा रहे हैं। हाँ मत करो यार, थोड़ा पढ़ लो, अभी क्लास के बीच में खड़ा करके पूछ लेना क्या होता है, तुम लोग ये हैं। थोड़ा सा फोकस, अगर आपने अपने डेढ़ घंटे मुझको दिए हैं तो प्लीज आप अपना फोकस रखें। वैसे आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है टीचर को फोकस कराए रखना, बच्चा 15 सेकंड में बोर हो जाता है, रील अच्छी नहीं लग रही, चल चेंज। और उसमें अगर मैं डेढ़ घंटे लगातार पढ़ा दूं तो मतलब मैं अपने को हीरो समझता हूं। वरना प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं मूवी देखने गया हूं कल, मूवी में एक गाना आ गया, मुझे वो गाना पसंद नहीं आ रहा, मैंने मोबाइल फोन निकाला और मैं इंस्टाग्राम देखने लगा, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए गया हूं, उसमें गाना अच्छा नहीं लग रहा तो अपना एंटरटेनमेंट देखना शुरू। हम इतने ज्यादा एडिक्टिव हो गए हैं कि जहां मजा नहीं आता ना, बस ये चक्कर में 3 मिनट खराब कर दिए मैंने वापस। हाँ डोरमेंट कंपनी ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है अंडर दिस एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट, फॉर आ फ्यूचर प्रोजेक्ट। मूवी अभी बननी है रॉकी और रानी, या मूवी की स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, बनने में अभी 2023 में लगेंगे, तो 2-3 साल क्या करें, डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। या टू होल्ड एन एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये क्या था, लिरिक्स क्या है, सॉन्ग क्या है, जितने भी आर्टिस्टिक वर्क है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है, मैंने गाना लिखा सोच के लिखा, अब वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, टी सीरीज की। अगर फ्यूचर में कोई इस गाने के लिरिक्स पे कोई भी अपना नया गाना बनाएगा तो उसे मुझसे कॉपीराइट लेने पड़ेंगे, उसका मैं पैसा छपाऊंगा, ठीक है। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट, एंड हैज अंडरलाइन कर लेना, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और मैं कोई सेल परचेज भी नहीं कर रहा, मतलब मैं कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं कर रहा। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, आओ नीचे पढ़ लो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन अदर देन, इन चार को छोड़ के आपको कोई भी अकाउंटिंग एंट्री दिखे तो आप क्या बोल देना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है तो तुम डोरमेंट कंपनी नहीं बनोगी। डोरमेंट कंपनी कब बनोगी, कंपनी खुल गई है लेकिन आपके धंधा, कौन सी चार ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पहला, कंपनी रजिस्टर करा दो, फीस दोगे, एंट्री क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गई अकाउंटिंग, हमने कहा ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट, कंपनी रजिस्टर कराओगे तो क्या किसी एक्ट के तहत कोई फीस जमा करनी पड़ेगी, और कंपनी खोल रहे हो तो शेयर होल्डर तो खोलने, शेयर होल्डर तो होंगे ना कंपनी में, 7 लोग तो पब्लिक में चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, तो वो लोग शेयर्स तो लेंगे ना शेयर होल्डर बनने के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अरे ये भी छोड़ देना भाई, कंपनी खोली है तो क्या रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, 6 बातें, नाम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्राइबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए ना। हाँ तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई तो आता होगा झाड़ू फोड़ा मारने के लिए, तुम्हें 10 डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, 2 डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने हैं ना, उन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कोई तो अकाउंटेंट आता होगा। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस या मेंटेनेंस ऑफ
रिकॉर्ड्स, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है? हर अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट है इन चार को छोड़ के। कौन कौन से चार? पहला रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा कोई भी फीस जो एक्ट में रिक्वायर्ड है, तीसरा शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया, चौथा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। चलो वापिस है। When a company formed and registered under Companies Act, but for a future product, या to hold an asset या intellectual property, and has आज वो भी क्या नहीं कर रहे? Accountation नहीं कर रहे। तो such a company और कौन? Inactive company। Inactive company क्या होता है? आओ पढ़ लो। Inactive company मतलब एक company जिसने which is not carrying on any business, वो कोई business ही नहीं carry कर रहा, या has not made any significant accounting transaction during लास्ट दो सालों से। क्या नहीं किया? कोई सेल परचेज नहीं। मैंने बताया भी था क्या कि पहले धंधा चल रहा था लेकिन लॉकडाउन लगा, धंधा बंद, तो क्या घोषित कर दो मुझे, अभी मेरे को एक दो साल और बिजनेस नहीं करना। नेक्स्ट, या फिर हैज नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें किस सेक्शन में सबमिट करनी पड़ती है, 137 में, या एनुअल रिटर्न जो किस सेक्शन में सबमिट करनी पड़ती है, 92 में, ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने यही लिया था कि आपने क्या नहीं किया, इस साल सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिकली आप क्या घोषित हो गए? डॉर्मेंट कंपनी, क्योंकि आप कौन सी कंपनी हो? इनएक्टिव। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल कंपनी हो या इनएक्टिव कंपनी हो, एप्लीकेशन मेक कर सकते हो किसको? रजिस्ट्रार को, उस मैनर में, उस प्रेस्क्राइब तरीके से जैसा फॉर्म का मैनर होगा। क्या घोषित, क्या स्टेटस पाने के लिए? उस दिन से आप क्या बन जाओगे? डॉर्मेंट कंपनी। पढ़ेंगे एक बार खुद से डॉर्मेंट कंपनी की परिभाषा, की बातों को अंडरलाइन करेंगे। क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट? बट क्या तुम्हें लग रहा है थोड़ी सी मैच्योरिटी डिमांड करता है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें नहीं पढ़ी होती तो लैंग्वेज इतना आसान ना होता पढ़ना। अब तुम थोड़ा लॉ पढ़ चुके हो, तुम्हें लॉ की लैंग्वेज कनेक्ट करने लगे, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, नॉटविथस्टैंडिंग, है तो इंग्लिश ही। कौन सी कंपनी होती है? डॉर्मेंट कंपनी, जो रजिस्टर्ड तो हो गई है लेकिन धंधा नहीं कर रही अभी। तो क्यों है भाई? अभी मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स बना रहा हूं, अभी मैं धंधा नहीं कर रहा। धंधा का मतलब मेरा क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग क्या होती है? सारी होती है इन चार को छोड़ के। पहला पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ एनी फीस इन द एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। सर इसके अलावा अगर आप इनएक्टिव हो, इनएक्टिव मतलब धंधा कर रहे थे लेकिन दो सालों से धंधा नहीं कर रहे, या कंपनी तो खुल गई लेकिन धंधा करने का भी एम, या फिर दो साल से बहुत धंधा कर रहे लेकिन ये बात किसको नहीं बताई? गवर्नमेंट को, ना तो एनुअल रिटर्न सबमिट किए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने आप क्या टैग लगा देगी इनएक्टिव का, यानी अब आप अगले साल जो इनएक्टिव कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है आप वो वाले काम कर नहीं पाओगे। हाँ, चलो नेक्स्ट, निधि कंपनी। मुझे नहीं लगता ये आपके एग्जाम में आएगा, आप पढ़ो आपको फीलिंग मिलेगी। पढ़ो निधि कंपनी का मतलब क्या है, पढ़ो। इतनी सेक्सी और प्यारी डेफिनेशन मिलेगी कहीं? निधि कंपनी मींस अ कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी घोषित कर दे। वाओ, कौन सी कंपनी? निधि कंपनी है। तो निधि कंपनी, या इसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी भी कहते हैं, मींस अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर दे, कहां? ऑफिशियल गजट में। और क्या डिक्लेयर कर दे?
तू निधिगमनी है, ओके मैं निधिगमनी। क्या इतना सा पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? निधिगमनी होती क्या ये बताओ, बनती कैसे वो समझ पा रहे हैं? कैसे बनती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते कि वो है, एज पर डेफिनेशन यही मतलब है, होती कौन है? तो मुझे नहीं लगता ये पूछना है, कोई क्वेश्चन बनता है बाकी इसमें मीनिंग आ नहीं रहा है ना। निधि का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना सीखना। क्या बैंक कह रहा हूं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपके पापा वर्किंग है तो कभी मुंह से सुना होगा आपने पीएफ कट गया, तो पापा को इन्वेस्टमेंट करने की आदत है नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो पीएफ काट लेता है, आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काट ही लेता है, और जब आप बुजुर्ग होंगे तो वो पीएफ का पैसा आपको लौटा देगा, आपको इतना पैसा कमा लिया मैंने। तो अगर वो काटता नहीं ना वो पीएफ, तो आप क्या करते, लाख रुपए सैलरी आती है लाख रुपए उड़ा देते, लेकिन उसने लाख में से आपको 95,000 दिए, 5,000 काट लिए ईएसआई के नाम पे, पीएफ के नाम पे, और ये 5,000 करते हुए साल का हो गया 60,000, और 20 साल आपने जॉब की, उस पे बैंक में कमाया हुआ इंटरेस्ट, वो जो आपको लमसम मिलेगा 10-15 लाख बुढ़ापे में, तो आपको लगेगा वाह अब मेरा बुढ़ापा भी सुकून से कट सकता है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर एक कंपनी है जिसमें लेबर वर्क ज्यादा होता है, लाइक टाटा की स्टील बन रही है, बिहार में कहीं पे कोयले की खदाने हैं, तो वहां पे लेबर वर्क करती है, लेबर को कितनी सैलरी मिलती होगी? लेबर को सैलरी नहीं मिलती सर, वेजेस मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, 150 रुपए मिल रहा है सपोज को एक दिन का, महीने में कितने दिन काम कर सकते हैं? संडे तो छुट्टी होगी, नहीं ले रहा वो छुट्टी, 30 दिन काम किया, महीने का कितना छापा? क्या 45 रुपए मंथ में क्या वो अपना पूरा महीना गुजार लेगा? बिहार में होगा तो गुजार सकता है, बाकी कुछ खर्चे कम भी हैं, लेकिन दारूबाज होगा तो नहीं गुजार पाएगा। लेकिन अगर ईमानदार पिता और ईमानदार पति होगा तो कुछ चीजें सस्ती हैं। क्या दिल्ली में भी आपको 30 रुपए का ब्रेकफास्ट मिल जाता है? ठेले वाला मिल जाता है 15 रुपए का पराठा, 30 रुपए के 2 प्लेट पराठा, या 30 रुपए का छोला भटूरा। तो ऐसी अगर ये डेली के 150 रुपए कमा रहा है तो 150 रुपए में क्या दिन भर का खाना पीना हो जाएगा? छोटी सी खोली में 500 रुपए खोली में 200 लेंगे, लेकिन इतने पैसे नहीं है ये महीने के कि ये अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। चलो गवर्नमेंट स्कूल में जमा हो गया बच्चे की फीस 100 रुपए, क्या बाद में अपने बच्चे को सीए, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, आईआईटी, ऐसे में किसी कहीं डाल पाएगा? इतना पैसा तो है नहीं ना, 25,000 हम ही ले लेंगे, 9,000 आई से ले लेगा, 4,500 में कहां कर पाएगा इतना कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए टाटा कंपनी अपने लेबर्स के लिए एक कंपनी खोले और इनकी सैलरी से हर महीने 50 रुपए काट लेगी, यानी इसको कितना देगी? क्योंकि ये खुद तो इन्वेस्ट करने से था, इसको तो जितना दे दोगे खत्म, हमने काट ही लिया 50 रुपए इसकी जेब से, और क्या किया इसको, इस कहा कि तू इस कंपनी के शेयर खरीद, यानी 50 रुपए लेके इसको क्या दे दिया, एक शेयर, अगले महीने फिर 50 काटे, फिर एक शेयर दे दिया, ऐसा करके अब हर महीने क्या करेगा? ऐसे कंपनी में सपोज 1,00,000 एम्प्लॉयज हैं, 1,00,000 वर्कर्स हैं, तो आप सोचो महीने का कितना इकट्ठा हुआ इस कंपनी में? अरे कितना, 50 लाख, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट, साल भर में कितना होगा? 50 लाख × 12, और उस पैसे को कोई होगा जो देख रेख करके ऐसे ढंग से इन्वेस्ट करेगा, यानी 50 लाख का बहुत जल्दी 60 लाख, 60 लाख का बहुत जल्दी, इतना बहुत बड़ा फंड बन जाएगा। बोलो हाँ, कुछ टाइम बाद 5-10 एम्प्लॉय मेंबर आएंगे और क्या बोलेंगे, भाई मुझे अपने बच्चे को सीए करानी है, 50,000 रुपए मिलेंगे, तू दे कितना रहे, 50, साल भर में कितना दे दिया होगा तूने, 600, पैसा कितना मांग रहे, 50,000, इतना दे दिया जितना चाहिए, तो ये तुझे मिल जाएगा एज अ लोन। क्या 4,500 वाले को लोन देता बैंक? और लोन मिलता कितने, 12%, 10%, 11%, 8%, हम तेको लोन देंगे एट द रेट ऑफ 2%, तुझे पैसा वापस करना है, कितने का ब्याज? ये ब्याज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पैसा पूरा तो इसका है नहीं, इसमें और भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो उनको लगे ना मेरा पैसा उसको क्यों दे दिया, टेंशन मत लो तुम्हारा पैसा यहां है और तुम्हें इस पे क्या मिलेगा, तुम्हें 2% का इंटरेस्ट देंगे क्योंकि तुम्हारा पैसा कोई और यूज कर रहा है,
सर मुझे इसमें फीलिंग आ रही है। कौन सी फीलिंग आ रही है? सर मेरे पापा ने ना कमेटी खोल रखी है। कमेटी में क्या 10 लोग हैं, 10 लोग हर महीने 2-2 हजार रुपए डालते हैं, 24 हजार हो गए। 2 हजार डालते हैं 10 लोग, कितना 20 हजार, 20 हजार हो गए। उसमें से कोई एक मेंबर 20 हजार उठा लेता है और वो कुछ महंगी चीज खरीद लेता है जो उसे खरीदनी होती है, बोलो हाँ। फिर अगले महीने फिर 2 हजार डालते हैं, फिर कोई दूसरा बंदा उठा लेता है वो पैसा। यही तो हो रहा है, मेंबर ने पैसा लगाया और मेंबर को ही लोन मिला। बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में मैंने बैंक में पैसा रखा लेकिन बैंक उस पैसे को विजय माल्या को लोन दे रहा है, यानी डिपॉजिट किसी और ने किया है और लोन किसी और को मिल रहा है। लेकिन निधि कंपनी में क्या होगा, लोन किसको मिलेगा? उन्हीं को जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं। एक दिन वो मेंबर रिटायर भी होगा, कंपनी छोड़ेगा ना, तो साल जिंदगी भर में उसने जितना इन्वेस्ट किया होगा उस पर जितना उसका इंटरेस्ट लग के मिलता होगा वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा, माइनस जो उसने लोन ले रखा होगा वो लोन घट जाएगा और जितना बचेगा ये उसको मिल जाएगा। समझो कि समझे, क्या उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लिया? तो म्यूचुअल बेनिफिट, अब शायद आप नाम समझ पाओ, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, यानी एक गरीब, ऐसे 1 लाख गरीब वर्कर आपस में जब मिल जाएंगे तो हर गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा। शायद वो 50 रुपए कभी इन्वेस्ट ना करते लेकिन ऐसी कंपनी खोल के हमने जबरदस्ती उससे इन्वेस्टमेंट करवाई। अरे बोलो हाँ, लोन भी सस्ते में मिल गया और उसे लग रहा है मैं अपना पैसा ही तो निकाल रहा हूं। अरे बोलो हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं निधि कंपनी। लेकिन ऐसे तो कोई भी कंपनी खोल सकती है नहीं, उस कंपनी को निधि कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी बोलेगी। यानी आपकी जो कमेटी है घर वालों वाली, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी नहीं है, तो वो निधि कंपनी नहीं है। ये स्पेशली किसके लिए बनती है? वर्कर क्लास एम्प्लॉयज के लिए, जो वर्कर्स टाइप्स लोग जो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, क्या बेनिफिट मिला इससे? सस्ते ब्याज दर पे लोन मिला। दूसरा, जब तू फर्म से छूटेगा तब जो तूने पैसा लगाया होगा उस पे जो इंटरेस्ट बन के देगा बनता होगा वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसमें से हम क्या काट लेंगे? जितना तो लोन नहीं चुका पाया होगा। अगर लोन पूरा चुका दिया होगा तो देखो, तो उसे कैसा आत्मनिर्भरता वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊंगा। तो क्या ये अच्छे पर्पस के लिए खोली गई कंपनी है? इसका एम कोई सेल परचेस ट्रेडिंग नहीं है, इसका एम क्या है? जो पैसा मिला इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे लोग, ताकि उस पैसे से कमा के इनको पैसा वापस कर सके, क्योंकि इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, हमें है, तो हम यहाँ पे लोग रख के इनके इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे। आई बात समझ? पक्का ये 2.5 लाइनों में ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। चल एक और पढ़ लेते हैं, आओ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, चलो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के हिसाब से बताओ कंपनियां कितनी हो सकती हैं। हमने कहा 3, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। 1 होगा तो ओपीसी, 2 मेंबर होंगे तो प्राइवेट, 7 होंगे मिनिमम तो पब्लिक। लेकिन सर इसमें स्मॉल कंपनी क्यों दे रखा है? अरे यार स्मॉल होती तो प्राइवेट ही है, वैसे देना नहीं चाहिए था, दे रखा है, ठीक है पढ़ लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितनी हो सकती है? 2, होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल अभी पढ़ेंगे। ऑन अदर कंपनियां कैसे हो सकती हैं? गवर्नमेंट हो सकती है, फॉन हो सकती है, सेक्शन 8 अभी पढ़ा नहीं हमने, फिर डॉर्मेंट हो सकती है, ऐसे तो कितनी भी कंपनियां हो सकती हैं। बोलो निधि पीएफ है तो उन्होंने अदर्स का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया? ऐसी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज कितनी हो सकती है? हमने कहा 3 हो सकती हैं, एक ऐसी जिसके शेयर्स लिमिटेड हो, एक ऐसी जिसमें गारंटी हो, एक ऐसी हो जिसमें अनलिमिटेड हो। कोई लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है, घर से पैसा लेके आना पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो कोई ऐसी कंपनी खोलता होगा? कंपनी खोलने का मकसद ही क्या है? जहां लाइबिलिटी क्या हो, लिमिटेड, 10 रुपए का शेयर खरीदा तो कितने ही दूंगा, 10, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, इसलिए कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होता है? लिमिटेड। उस लिमिटेड से क्या मतलब निकल के आता है? लिमिटेड है भैया इसकी लाइबिलिटी। लेकिन कोई कंपनी अगर अनलिमिटेड होगी तो नाम हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, लिमिटेड नहीं लिख पाएगी, क्यों? क्योंकि तेरी लाइबिलिटी कितनी है? अनलिमिटेड। नुकसान होगा तो देखो कहां से पैसा लाना पड़ेगा, घर से भी। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे। आज हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल,
हम किसकी कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं? सर हम उसकी कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। क्या आप आईजीपी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो? जब तक आशीष काले सर आपको ऑफर नहीं देंगे यू कैन नॉट बाय, यस और नो? तब तक आप उनके शेयर खरीद ही नहीं सकते। तो यहां पे कैपिटल को एक्सेस करना इतना आसान, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में कह रहा हूं मेरे को रिलायंस कंपनी के 6 शेयर खरीदने हैं, क्या मिल जाएंगे वहां? कोई ना कोई तो होगा ना बेचने वाला जिसकी सेल मेरी परचेस से टकराएगी उस दाम पे, उसमें मुझे उतने रुपए का शेयर मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? चलो आकांक्षा मैडम का दिमाग खराब करना, वैसे वो आपको बीसीके में पढ़ाएंगी, बीसीके शुरू हो गया अभी तो बीसीके में वो आपको पढ़ा देंगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी काफी स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको बता देंगी कि दो तो नहीं होते, दो से ज्यादा होते। जैसे मैं दिखा दूं, अगर आप दो बोल दोगे ना तो मैं पक्का सोचा आपके दिमाग में होगा एनएससी बीएससी, मुंबई में थोड़ी ना वो, जैसे आईसी ने खुद बोला है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे कितने हैं? बहुत सारे फेमस दो हैं, ठीक है फेमस दो हैं। तो ये आपका गूगल हो गया, होमवर्क हो गया, या आकांक्षाओं को परेशान करने के लिए आपके पास आज एक क्वेश्चन है, मैडम बताओ ना। ठीक है, तो अगर आपके शेयर किसी भी स्टॉक मार्केट में, चाहे वो कोलकाता हो चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो वहां से शेयर खरीदना एक्सेस करना क्या है? आसान। तो जो शेयर लिस्टेड है उन्हें क्या बोलते हैं, और जो नहीं है एक बात दिमाग में बैठा लो, लिस्टेड अपने वो करवाई कौन सकता है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। प्राइवेट के शेयर क्या लिस्टेड ही नहीं हो सकते, आई बात समझ? किसके हो सकते हैं? सिर्फ पब्लिक के। अच्छा, कोई लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रही है लेकिन सेबी उसे बोलते नहीं तो लिस्टेड नहीं हो सकती, या तो लिस्टेड है हम देखो लिस्टिंग से हटा रहे हैं, तो क्या वो लिस्टेड रह पाएगी? तो वो प्रोवाइडेड में आ गया कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड होने जा रही है, लिस्टेड है लेकिन सेबी ने उसे क्या कर दिया, नॉट टू बी कंसिडर्ड लिस्टेड। सेबी ने उसे कहा इसको लिस्टेड से हटाओ, ये कंपनी फ्रॉड पर्पज से लिस्ट हुई है, इसका काम है शेयर होल्डर्स लोगों से पैसा लेना और औने पौने तरीके से शेयर्स के दाम ऊपर नीचे करवाना, जैसे कुछ लोग इन्वेस्ट करने गए सुसाइड ना कर लें कि हमारे शेयर डूब गए, तो इस कंपनी को लिस्टेड से हटाओ, ये कंपनी लिस्ट नहीं रहनी चाहिए। तो अगर उसको हटा दिया तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी, अदरवाइज बाकी सब जो लिस्टेड है वो क्या है, लिस्टेड। लेकिन जिसको स्टॉक, जिसको सेबी ने हटा दिया वो लिस्टेड नहीं कहलाएगी, आई बात समझ? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल कितनी टाइप की कंपनी हो सकती है, दो, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। पढ़ो, चकोई तेरे ना। जो कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी है, प्रोवाइडेड दैट जो लिस्टेड है या जो लिस्ट होने जा रही है, अगर उसको स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, अगर उसे लिस्टेड से हटाना दिया हो तो वो लिस्टेड नहीं होगी, अदरवाइज बाकी जितनी भी लिस्टेड है वो क्या है, और जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है। ये डेफिनेशन बड़ी आसान है, जो लिस्टेड ना हो वो अनलिस्टेड है, अच्छी डेफिनेशन। होल्डिंग मत समझो, सब्सिडियरी में समझ लीजिएगा, होल्डिंग मत समझोगे, प्राइवेट समझ लो अपने आप जो उसके बोर्ड हो, लिस्टेड समझ लो उसके बोर्ड। यस, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ताकि आपको, अब ये आपका आज 12 तारीख है, 13 का संडे छुट्टी, 14 की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, 16 को आना है, तो इन 3 दिनों में एक तो आपने पूरा इंडियन कॉन्टेक्ट पढ़ लिया, वो रिवाइज करेंगे पूरा, एग्जाम कैप्सूल से क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ जो होमवर्क दे रहा होगा, बाकी 3 टीचर्स भी देंगे, बट मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा होमवर्क तो करोगे, ऐसे वो भी उम्मीद करेंगे,
इसके अलावा कंपनीज एक्ट में हम क्या पढ़ चुके हैं, एक बार वो पॉइंट पकड़ लो। एप्लीकेबिलिटी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ओपीसी प्राइवेट स्मॉल पब्लिक कंपनी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल लिस्टेड अनलिस्टेड पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स गवर्नमेंट फॉरन निधि डॉर्मेंट पीएफआई और भी कुछ पढ़ा नहीं, सेक्शन एट अभी नहीं पढ़ा। इतना पार्ट हम पढ़ चुके हैं कंपनीज एक्ट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। चलो।